सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ, नोटिफिकेशन आता। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दियो, मालूम हो जाता तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं। पूछो, जल्दी पूछो, रोजा लगा रहा मैं। वो ऐसी कौन सी चीज है जिसको अपन रोज देखते मगर तोड़ नहीं सकते। तुम्हारा मुंह। तारे जी, मैं तारों की बात कर रही हूँ थी जिसको अपन रोज देख सकते मगर तोड़ नहीं सकते। सही में जी, तुम्हारे पास दिल है ना दिमाग। मैं पहले जी बोला था, फिर तुम ही घस ली। तुम्हारे दिमाग के है बोले, मैं दिमाग कितने बोलती हूँ कई को। बस बस बस, वो कपड़ों की पॉकेट दियो, मेरे को अलमारी में रखना, नहीं तो चूहे कतर देते। दे रहा ठहरा, पॉकेट को ऐसा कहीं मर। पॉकेट क्या हुआ, घुमा दिए। अजी कहाँ है कपड़ों की पैकेट, मेरे क्या मालूम, मैं तो तुम्हारे को दिया था ना गाड़ी पे बैठते खुद पकड़ो बोल के। मगर सिग्नल पे मैं दी थी ना पकड़ो बोल के। कब दिया मेरे को, तो कुछ याद ही नहीं है। इसके वास्ते बोलते बादामा खाओ बोल के, दिमाग तेज होता। खाली बादामा मैं खाना, तुम नहीं खाते। अजी लड़ो बाद में, पहले जाके देखो पैकेट कहाँ है सो। मैं क्या लूं तुम्हारे बाबा कहाँ है सो। अजी हौले आदमी, मैं कपड़ों की पैकेट की बात कर रही हूँ, हमारे बाबा की नहीं। जाओ देखो जाके, कान छोड़े पैकेट जाओ जी। ये औरत मेरे को दीवाना समझ रही, मैं एक रुपया नहीं छोड़ता, 1200-1500 का जैसे कुर्ता छोड़ के आता, कहते दीवानी औरत। अपन कहा तू बता, घस लेने के वास्ते कर लेते रहते भाई। वाह वाह वाह, ईद का कुर्ता है ऐसा कैसा छोड़ते, पर चलो खुश कर देंगे बेगम को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और खैरियत से बिलाल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, और रजा भाई आप कैसे, खैरियत? बस बस अल्लाह का शुक्र है भाई। और क्या है, चांद ऐसा कैसा निकल गया गली में? अरे बच्ची जिद कर रही थी भाई, तो बाहर ले लेके निकला। अरे क्या जिद कर रही थी भाई बच्ची? बच्ची को बोल रहा हूँ मैं, रमजान में शैताना कैद हो जाते बोल के। हाँ। अब जिद कर रही। हाँ। मैं शैतान को देखती हूँ, शैतान को देखती हूँ। तो आपको दिखाने के वास्ते लाया। डराओ ना जी, बच्ची खुश होती बोल के डराओ, बोल के डराओ। रमजान में लौट मैंने करा बोल के डराओगे थे, शैतान समझ रहा क्या है? अरे यार रोजा लग रहा बोले तो मेरे साथ लौटपना कर रहे थे। अरे 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 क्या रजा भाई, कल आ तुम बोल के नहीं आए शाम में कपड़े लेने के वास्ते? हाँ यार जरा बॉडी पेन हो रहा तो नहीं आया मैं। और रजा भाई खैरियत से? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। रोजा है? हाँ अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, रमजान में शैतान भी सुधर गया बोलो। शैतान बोला अरे रमजान में शैतान सुधर गया बोल रहा, तेरे जो कईयों को सुधार देता बेटा। आए बेगम, गर्मी से पूरी स्किन खराब हो जा रही मेरी, पूरा ग्लैमर चल जा रहा। हेलो ये कुर्ता लो। कहाँ था? अरे तुम आम खाओ जी, गुटलिया कहीं को गिन रहे। और तुम सबसे पहले वो खटारे कूलर का रेगुलेटर बदलो जी। कहीं को क्या हुआ? घर भर बोल के एक ही स्पीड पे चल रहा, सर्दी हो गई मेरे को, सड़े कूलर की ठंडी हवा का असर हो गया मेरी नाजुक नाक पे। नाक पे जबान पे कहीं को नहीं हुआ, उस पर तो भी होना था। वो कहीं को तुम्हारे बकबक से तो भी सुकून मिलता था मेरे को। अम्मा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बेटा जल्दी ज़कात निकाल और पैसे भेजा, इधर हम लोग अभी निकाल रहे, सबके पैसे मिला के दिए तो अच्छा रहता, ठीक है? हाँ अच्छी बात है, ठीक है मैं शाम तक निकाल के भेजा तुम, ठीक। अरे जाओ उठ के जाओ, जल्दी जाके तिजोरी में से सोना लेके जाओ। सोने से याद आया, तुम मेरे को सोने की चैन कब देते जी? जब तुम मेरे को चैन से सोने देते ना, दब आखा फाड़ फाड़ के नक्को देखो। जाओ जाके तिजोरी में से सोना लो, जकात निकालना है। ठहरो जी एक मिनट, मैं गुजरा खुद जा रहा हूँ यहाँ पर। शुक्र है भाई, बच्चा इफ्तार की सैरन नहीं बजाते। वो कहीं को? अरे तुम लगा रेडी हुए हुए तक ईशा हो जाती। अच्छा हुआ बच्चे भी सुबह उठ के खाना नहीं पकाते सहरी का। वो कहीं को? उठे उठे तक सुबह हो जाती। अब तुम उठो और जाके तिजोरी में से सोना लो, जकात निकालना है। अजी जकात निकालने के वास्ते सोना तिजोरी में से लाने की क्या जरूरत, मैं बोलती हूँ तुम लिखो। हाँ बोलो फिर। चलो कैलकुलेटर निकालो। हाँ तीन तोले का मंगलसूत्र, तीन तोले का मंगलसूत्र, दो तोले का लच्छा, दो तोले का लच्छा, आधे तोले की नेकलेस, आधे तोले की नेकलेस, कौन सी नेकलेस?
वो पतली पत्तों के जैसी है जो नेकलेस है। हाँ। कौन तो भी है जी वो कंजूस, कौन तो भी दिया हुआ है? बहन। एक नंबर की कंजूस है जी तुम्हारी बहन, इससे अच्छा तो नहीं देना था ने। मेरी नहीं तुम्हारी बहन। मेरी बहन है तो पहले पहले बोला नहीं पागल। वो जो पतली जो नेकलेस है ना तुम्हारे अम्मा दी, उसे लच्छे से तो भी बहुत अच्छी है। बस बस रहने दो तुम्हारे बाता, और चार तोले की अंगूठियां बालियां भी है। चलो चार तोले, तीन दो आधा बोल तो साढ़े पाँच, चार साढ़े सात, साढ़े नौ तोले, मतलब जो है सो तुम्हारे ज़कात वाजिब है। हाँ चांदी कितने तोले तुम्हारे पास? कहाँ है मेरे पास चांदी, नहीं है मेरे पास। अरे कितनी झूठी औरत है। अरे पाँव में है ना जी 20-22 तोले की चांदी की चैन। वो एक ही थे। अरे छल्ले रिंगा काका की है ना चांदी के? हाँ वो 2-3 तोले रहता बस। हाँ बच गए तुम चांदी की जकात से आज। अल्लाह का शुक्र है पैसे बच गए। जरा देखो वो 9.5 तोले की जकात कितनी निकल रही सो। उसकी एक मिनट था, 1,25,000 बोले तो 22,000 चिल्लर ऐसा कुछ हो रही। क्या 22,000? अम्मा नक्को जी। क्या नक्को? जकात नक्को जी 22,000। 22,000 में ईद की शॉपिंग हो जाती, घर का सौदा आ जाता ईद का। नक्को बा जकात नक्को दियो तुम। ए पागल हो गए का पागल औरत? जकात निकालना बहुत जरूरी है। इस्लाम के 5 अरकान शहादत, नमाज, रोजा, जकात, हज, उसमें से एक जकात है जो कि कंपलसरी है, देना पड़ता। वो दिए तो जो है सो अल्लाह ताला अपने जान व माल की हिफाजत कर दे, अपने माल व दौलत में खैर व बरकत होती, अल्लाह ताला घर में रहमत बरसाते, समझे। और जकात देने से अपने मुआशरे के गरीब लोगों की मदद भी होती, वो सवाब अलग मिलता। और तुम देखो तो जकात नक्को भर रहे। अजी इतना गुस्सा कहीं को हो जा रहे जी? मैं खाली ऐसे ही बोली तुम्हारे को, सब लोग देते गरीबों को, अपन ने दिए तो क्या होता बोल के। नहीं दिए तो क्या होता? खबर में बड़ा काला नागा के धस 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 धसता, एक बार धस बोल के मारा तो 100 फीट तक अंदर जाते, फिर बाहर आते, फिर मारता है। सुने तुम? अगर तुम वो खबर का अजाब बर्दाश्त कर ले सकते तो नक्को दियो जकात। अम्मा नक्को बा, यही मार लगा तो बर्दाश्त नहीं होता, वो खबर का अजाब कौन बर्दाश्त करेंगे। नको नको तुम जकात दे दो। हाँ एक और बात, खबर के अजाब से डर के नहीं, अल्लाह का हुकुम है बोल के हंसी खुशी से मान के दो, अच्छी नीयत से दियो तो तुम्हारी जकात कबूल होती, समझे? हाँ समझी। हाँ गुड, कुछ बोल रहा जरा मैं जाके सो तो कहे रोजा लग रहा मेरे को, तुम अच्छा उठ के इफ्तारी में पूरा तो जिंदा नहीं रखती है औरत, पूरा पानी गिरा के पोछना नहीं मालूम। जब देखो जब गिरते पड़ते रहते, आखिर कितना तो भी गिरे हुए इंसान है जी तुम। ए सेकंड एपिसोड में बोला ना जी, मैं तुम्हारे बाबा से ज्यादा तो गिरेवा नहीं हूँ। अजी मां नक्को, अभी ईद की शॉपिंग बाकी है, अभी से नहीं घस लेना इनसे, पहले ईद की शॉपिंग के पैसे निकालती हूँ फिर बताती हूँ इनका। ओ भरी बला किधर गुम हो गए? वो तुम्हारी यादों में। क्या होना वो बोलो? वो ना मेरे को रमजान की शॉपिंग के वास्ते पैसे होना था। कितने पैसे होना था? ज्यादा नहीं थोड़े से लेना है। क्या क्या लेना है मेरे को ना? देखो क्या लेना है मालूम? खड़ा दुपट्टा, पटियाला, शॉर्ट कुर्ती, लॉन्ग कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती के साथ जगिन होना, लॉन्ग कुर्ती के साथ प्लाजो होना, फिर ना चिकन का काम करा हुई कुर्ती होना, कहीं को बोले तो मेरे को ना वो जगनी के रात के दिन पहनना है, फिर बनारसी कुर्ती होना वो मैं चांद रात के दिन पहनती हूँ, और शरारा करारा तो नक्को वो बहुत पुराना हो गया, पाकिस्तानी सूट बस है, बस तो पाकिस्तानी सूट, फिर उसके साथ ना मोतियों का, असली मोतियों का हार रहता नहीं वो होना मेरे को, फिर ना अच्छे स्टोन करे हुए चूड़ियाँ होना, फिर उसके बाद ना हाई हील की सैंडल होना, कहीं को बोले तो वो मैं तुम्हारे बाजू ठहरी तो बराबर दिखना, हाइट थोड़ी कम है ना जी मेरी, अकल भी थोड़ी कम है, बाजार में मिल रही तो वो भी ले लो, धूप पे देखने की कोई जरूरत नहीं है, लिस्ट खत्म हो गई अभी है, फाउंडेशन, लिपस्टिक, आईलाइनर, मस्कारा, फिर लोशन होना मेरे को, फिर कंडीशनर होना, शैम्पू होना, नेल पॉलिश होना। हाँ नेल पॉलिश, अम्मा का कलेजा, बाबा का भेदा, भाई के गुर्दे, बहन के फेफड़े, नक्को सूरत फुला लो नक्को। अरे रमजान की शॉपिंग कर रहे हैं, पूरे खानदान की शॉपिंग कर रहे हैं। अरे तब एक जोड़े पे ईद गुजर सकती तो चार चार जोड़े कई को भाई, अपने असहाबा इकराम कई दिनों तक एक एक जोड़े पे जिंदगी गुजारे, अरे उनके कपड़े का ईमान ताजा था,
फजूल खर्चा नको भाई, जब एक जोड़े पे ईद गुजर सकती तो चार चार जोड़े कई को। ठीक है भाई, एक ही जोड़ा लेती हूँ। गुड, वेरी गुड, बहुत आगे जाते हो तुम। मेरे काम सुनो, पहले किचन में जाओ, इफ्तारी की तैयारी करो। दस्तरखान पूरा सा भरे वाला ना, हर जगह पूरा सा फ्रूट ना भरे वाला, समझे? नहीं रहता। कहीं नहीं रहता? फजूल खर्चे नहीं करना जी, जब एक खजूर से रोजा खुल रहा तो दस्तर भर के फ्रूट आ गई को। मेरी बिल्ली मेरे को मियाओ, बताता हूं, ठहरो। ए अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़कम। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जिस किसी ने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल गोल्डन हैदराबादी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और गाइस थैंक यू सो मच, बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा आप लोगों का, बेहतरीन जैसे आप लोग दिखा रहे भाई कि आप लोगों का कंटेंट अच्छा रहा बोल के, बिकॉज लाइक ज़बरदस्त है, व्यूज़ ज़बरदस्त है, बेहतरीन है, लाजवाब है। तो गाइस जैसा कि मैं आप लोगों को बोला था कि हमारा जैसा 4 लाख का टारगेट है सब्सक्राइबर्स का, तो अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आप ना कर ले तो आपके दोस्त भाया बहना खाला फूप्पू जो भी है, जो जो नहीं करे उनसे भी सब्सक्राइब कराओ, और इंशाल्लाह ताला रमज़ान एंड होने तक, ख़त्म होने तक 4 लाख का टारगेट है जो कि आप लोग आज पूरे कर सकते हो, और मेरे को उम्मीद है आप लोग करते, बिकॉज 2 एपिसोड में अभी तक हमारे अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स बढ़ गए और 3 एपिसोड्स हमारे हैं, तो इंशाल्लाह ताला 4 लाख का टारगेट है इंशाल्लाह कम्प्लीट हो जाएगा। जब तक कैसे बाबा टैग के खुदाफिज़, लाइक कमेंट मार के वायरल कर दो। खुदाफिज़ खुदाफिज़।